नमस्कार, मैं देवेंद्र पाल, फाउंडर ऑफ इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। आज हम साहू स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, न्यू क्राइटेरिया आया है। जैसे आप सभी को पता होगा, पहले पिछले 4 सालों में जो साहू स्क्रीनिंग लिया गया है, उसमें आप सभी को मालूम होगा कि एक ही बैच रहता था, एम्स का एक बैच और IIT का एक बैच। लेकिन इस बार बैच नहीं, बैचेस हो गए हैं। आपको मालूम होगा इससे का मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ गई हैं। अगर आप देखते हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा, सीट्स इसलिए भी बढ़ गई हैं कि जैसे आप देखोगे IIT की बात करेंगे तो IIT में भी सीट्स पिछले 4 सालों में बढ़ी हैं। अगर आप देखोगे नीट में भी पिछले 4 सालों में सीट बढ़ी हैं। तो उन्होंने भी क्या किया है कि साहू कॉलेज ने भी यही किया है कि बैच 1 और बैच 2 इसलिए भी किया है, और बोर्ड के एग्ज़ाम अलग अलग टाइम पे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेट बोर्ड के अलग टाइम पे हैं और CBSE के अलग टाइम पे हैं, इसलिए उन्होंने 2 बैच कर दिए। आप सभी को मालूम है एम्स बैच, देखो अगर मैं बोलूँ कि न्यू क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एम्स बैचेस के 2 बैचेस हो गए हैं। बैच 1 जो कि स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, अगर मैं बोलूँ एम्स बैच को, जो बैच 2 है अगर मैं बोलूँगा वो किसके लिए है, वो CBSE और ICSE बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। सिमिलरली अगर हम देखें IIT बैच के लिए भी, बैच 1 जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए है, बैच 2 ICSE और CBSE बोर्ड के लिए है। अब बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि कैसे हम पढ़ाई करें, कैसे क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी होती है, कौन सी बुक से पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब बच्चों को बहुत सारी क्वेरी होगी और बहुत सारे टेंशन भी ले रहे होंगे बच्चों। बच्चों आप टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो को देखकर आपका टेंशन सारी दूर हो जाएंगी। अब मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं देखूँ पिछले बार भी जो पेपर हुए थे उसमें भी अगर आप देखोगे, जो प्री एग्ज़ाम हुआ था पहले 2 लेवल में, ऑनलाइन की वजह से 2 लेवल से एग्ज़ाम लिया गया था। तो प्री और मेंस, अगर मैं बोलूँगा प्री के पैटर्न सेम था, इसी टाइप में एग्ज़ाम का पैटर्न था। लेकिन अगर मैं बोलूँ जो पेपर को डिवाइड कर दिया गया है, 2 टाइप्स में पेपर को डिवाइड कर दिया है या 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो जो सेक्शन 1 है दैट इज़ मैट मीन्स मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अगर मैं बोलूँगा सेक्शन 2 मतलब पेपर को एक कंप्लीट पेपर को, इट में भी एम्स बैच के लिए हो, इट में भी IIT बैच के लिए हो, तो एक कंप्लीट पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के डिवाइड में कर दिया गया। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मैट और सेट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में अगर आप देखेंगे इंग्लिश आएगी यहाँ पर, इंग्लिश प्लस लॉजिकल एप्टीट्यूड और प्लस बेसिक मैथ्स, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सेट में, अगर आप एम्स बैच में जाना चाहते हैं, एम्स बैच के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपको PCB देना होगा, और अगर आप IIT बैच के हैं तो PCM देना होगा। बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन है कि क्या स्टेट बोर्ड और CBSE का अलग अलग एग्ज़ाम होगा, क्या दोनों बैच के लिए अलग अलग, इट मे बी और मे नॉट बी। मीन्स आप सभी समझते हैं, अगर बैच मतलब एग्ज़ाम 2 होने दो, लेकिन अगर आप सीटें देखेंगे तो फिक्स ही रहने वाली हैं। बैच 1 में भी सीटें फिक्स रहेंगी, बैच 2 में भी। अगर एक भी एग्ज़ाम होता है तो भी कंपटीशन बराबर, अगर 2 भी होते हैं तो भी कंपटीशन बराबर है। इनमें कोई भी मतलब अगर आपको देखेंगे कि क्यों ऐसा कंपटीशन बराबर, क्योंकि सिलेबस सेम ही है, सिलेबस क्या है सेम है। लेकिन अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूँ, बच्चों के मन में भी ये होगा कि मार्किंग स्कीम कैसी होती है। अगर मैं प्रीवियस पिछले साल की बात करूँ, प्रीवियस 4 ईयर्स की बात करूँ, आपको मालूम होगा IIT JEE मेंस की बात करें या हम नीट की बात करें, एडवांस की बात करें, उसमें भी मार्किंग स्कीम कैसे होती है, +4 और -1 की होती है। तो इस बार भी उसी तरह, क्योंकि उन्होंने 4 साल में उन्होंने मार्किंग स्कीम है सेम रखी है। वो क्यों? क्योंकि नीट और IIT में भेजना है बच्चों को, तो उस लेवल से ही वो एग्ज़ाम लेने वाले हैं, तो वो मार्किंग स्कीम भी मतलब जनरली +4 और -1 ही होगी, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से, आप सभी जो बच्चे मतलब लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की बात करें, अब प्रीवियस ईयर की बात करूं मैं, अगर देखो अगर आपके पास में पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, तो आप उनसे देख सकते हो। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि क्या मैं स्टेट मतलब ऐसा कि क्या मैं स्टेट बोर्ड का बच्चा पढ़ने वाला हूं, लेकिन मैं CBSE का एग्ज़ाम देना चाहता हूं, ऐसा मैं CBSE वाले बैच में जाना चाहता हूं। कुछ बच्चे के मन में ये भी डाउट होगा कि मैं अगर CBSE का छात्र हूं, मैं स्टेट बोर्ड वाले बैच में जाना चाहता हूं। लेकिन जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, आप सभी को ये भी मालूम होना चाहिए, तो फॉर्म फिल करते वक्त वहाँ पर आपसे स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड ज़रूर पूछा जा रहा होगा। इसका मीनिंग है, अगर आप अपने मन से चल रहे कि मैं इस वाले बोर्ड में भरूँ, लेकिन आपको जब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा
उस टाइम पे आपको उसी बैच में रखा जाएगा। इसलिए आप जो आपका बैच हो, जो बोर्ड से बिलोंग करते हो, वही बोर्ड का फिल करेंगे रजिस्ट्रेशन करते वक्त। और आपको ऐसा नहीं होने दिया जाएगा कि आप CBSE वाले स्टेट बोर्ड में पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने लिख ही दिया है कि बैच वन में आप महाराष्ट्र बोर्ड को पढ़ाएंगे और बैच टू में आप CBSE वाले बच्चे रहेंगे। तो आप एक बात और ये रह गई है कि इसमें डिफरेंस क्या हुआ। अगर मैं बोलूँगा कि डिफरेंस ये हुआ है कि न्यू क्राइटेरिया में दो बैचेस आ गए हैं, बच्चों के लिए बेनिफिट क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ गई हैं आपको मालूम है, जैसे सीट्स बढ़ रही हैं IIT JEE में बढ़ रही हैं या नीट में भी बढ़ रही हैं, तो आप देख रहे हो तो उन्हें भी एक अच्छा, बच्चों को अच्छा साहू कॉलेज ने भी क्या दे दिया, एक अपॉर्चुनिटी दे दी है बच्चों को एक अच्छा करने के लिए। तो अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से तैयारी करें आप, और बैच वन और बैच टू में अच्छे से मतलब सीटें भी बढ़ गई हैं, आपके लिए खुशी की बात है ये। अगर आप सभी को मालूम मार्किंग स्कीम आप सभी को पता चल गया है। अगर मैं बोलूँ लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की, तो बच्चों लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी मॉडरेट रहती है। अगर मैं बोलूँगा मॉडरेट मींस कुछ क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन भी होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि जैसे जनरली फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में, तो इनमें 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरी ईयर में। मतलब ऐसा थोड़ा क्वेश्चन का इधर उधर हो सकता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि उधर से कुछ नहीं आया कि कितने क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे, ठीक है ना। जैसे प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कितने क्वेश्चन आए थे, अगर मैं बोलूँ 25 25 25। अगर मैं बोलूँगा कि PCM की बात करें, PCB की बात करेंगे, तो PCB में आप देखोगे 25 25 और बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन आए थे। फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25, बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और वो 400 मार्क्स का पेपर था। लेकिन आप ध्यान रखना बच्चों पे क्वेश्चन कितने भी होने दो, लेकिन कंपटीशन बराबर ही है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि बच्चों को ये मार्क, मतलब आपको मार्किंग स्कीम के हिसाब से तो ये सोच के पढ़ाई करनी चाहिए कि निगेटिव मार्किंग ही है, क्योंकि आपको उस तरीके से अब उस अंदाज में पढ़ाई करेंगे अगर आप, तो और भी बेहतर होगा आपके लिए। चाहे वो बाद में पॉजिटिव रखें, नेगेटिव रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, लेकिन आपको ये है कंपटीशन यहाँ पर बराबर ही रहने वाला है। क्योंकि उसमें फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन तो बराबर ही है, चाहे वो पॉजिटिव मार्किंग हो चाहे नेगेटिव मार्किंग स्कीम हो। इट में भी क्योंकि आपको मालूम है साहू का एक स्टैंडर्ड ही होता है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर रहता है, आपको मालूम होना चाहिए बारे में, तो वो +4 -1 की नेगेटिव मार्किंग रखने के बिल्कुल बिल्कुल चांस है, जैसे कि प्रीवियस ईयर में देखा है। अगर मैं बोलूँगा मॉडरेट की बात, आपको मैंने पहले भी बताया था मॉडरेट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी मॉडरेट क्यों रहेगी और या कैसे हमेशा रहती आई है। जैसे अगर फिजिक्स के 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, फिजिक्स के कितने टॉप 25 क्वेश्चन है, 25 में से 3-4 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, लेकिन 21 क्वेश्चन तो मॉडरेट ही रहेंगे। इट में भी 1-2 क्वेश्चन इजी भी रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता, बच्चे डरे ना बिल्कुल भी। आपको बुक भी का नाम भी बताया जाए किस बुक से पढ़ना चाहिए आपको। अगर मैं बोलूँगा टाइप ऑफ क्वेश्चन की, तो आप सभी को पता होना चाहिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप सभी को मालूम नीट का जो पैटर्न होता है, जैसे नीट का पैटर्न क्या है, SSN रीजन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं साहू में, यस पूछे जाते हैं। मैच दी फॉलोइंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यस मैच दी फॉलोइंग। फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते, यस फॉलो। करेक्ट स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते, यस पूछे जाते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते, यस। ऑड वन आउट मीन्स आपको ऑड मैन आउट के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सा इनमें से ऑड है कौन सा, ठीक है ना, आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि आपको एम्स बैच के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैं ये बोलूंगा कि जो बच्चे इस मैट की टेंशन ले रहे हैं, अगर मैं बोलूंगा जो लॉजिकल एप्टीट्यूड है वो लॉजिकल रीजनिंग ही होती है, पिछले साल भी लॉजिकल एप्टीट्यूड में लॉजिकल रीजनिंग ही आई थी। तो अगर मैं बोलूंगा इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में आपको मालूम है जनरली जो एक ग्रामर होती है वही आती है। अगर मैं बोलूंगा लॉजिकल रीजनिंग आती है, और बेसिक मैथमेटिक्स में इस बार से जो इंक्लूड कर दिया गया है क्वेश्चन पेपर, वो क्वेश्चन पेपर में लॉगरिथम भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो इसलिए बच्चों वो एक अलग हटके चैप्टर है, वरना आपको परसेंटेज की कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के चैप्टर हैं। वरना आप अगर एम्स बैच से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने स्टेट मीन जिस भी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, आप उस बोर्ड के बेसिक मैथ्स को पढ़िए, वहाँ से पढ़िए आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। कुछ जैसे चैप्टर एक्स्ट्रा हैं, जैसे परसेंटेज वगैरह बोर्ड वगैरह में किसी में नहीं होता है ये। अगर मैं बोलूँगा लॉगरिथम भी नहीं है, जो ICSE में लॉगरिथम है, तो आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं वहाँ से। और कहाँ से पढ़ना है वो भी आपको रेफरेंस बुक बताई जाएंगी, आप बेफिक्र रहिए। तो आपको मैं ये बोलूँगा कि अगर आप इन पर कम ध्यान देते हुए, इसको कम ध्यान देते हुए, क्योंकि असली जो है मार्क्स इन्हीं से मिलते हैं। पिछले साल जो 4 ईयर्स में हमने देखा है कि वो यहाँ पर 50% लिया होगा आप आगे पास, जनरली सभी पास होते हैं इसमें, ऐसा
मैंने तो कोई भी बच्चा ऐसा देखा नहीं कि वो इसमें फेल हो गया हमारे यहाँ पर जो पढ़ता था, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि एम्स बैच में पढ़ने वाला, तो मैं इसे वीक में एक बार भी आप करोगे अगर लॉजिकल रीजनिंग, जिस बच्चे ने एनटीएससी का कराया तो उसे करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर वो एनटीएससी एस्पायरेंट है वो तो पढ़ ही रहा होगा ऑलरेडी। अगर मैं बोलूँगा जो बच्चा बेसिक मैथमेटिक्स की बात करें, जो बच्चा पीसीएम का है तो ऑलरेडी उसे तो मतलब उसे तो वो तो आराम से कर सकता है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बायो का है उसको अपने अपने बोर्ड की बुक पढ़े वो, तो उससे क्या होगा, जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें भी अच्छा होगा और प्लस इसमें भी अच्छा होगा, तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो करने की ज़रूरत है उनके लिए मैं आपको पूरा बताऊँगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से कि PCM की बात करें, तो PCM के लिए भी आपको यही करना है। आपको इंग्लिश की बात करें तो वीक में या लास्ट के 10 दिन भी पढ़ेंगे आप तो वो कवर हो जाएगा, मतलब एक बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बचपन से अब तक वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ते ही जा रहे हैं, या कैन कुड विल वुड आप ये सभी बातें पढ़ते आए हुए हैं, तो उसमें कोई भी मतलब बड़ी बात, उसे बर्डन की तरह मत लें कि इसको हम करेंगे तब हम पास होंगे, इसके चक्कर में ये भी चला जाएगा। तो इसलिए इस पर मतलब कम ध्यान देके, मीन्स अगर मैं बोलूँगा इस पर ज़्यादा दबाव, इस पर टेंशन ना लेके, इसे ईजी ले एकदम, ऐसा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें अपने आप में। आपको असली ध्यान देना है इन पर, क्योंकि इनके ही मार्क्स काउंट होते हैं, इनसे ही आपकी रैंक डिसाइड की जाती है, इनसे ही आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो अब बच्चों के मन में जो मैं बोलता हूँ कि जो सबके बच्चों के मन में रहता है कि रेफरेंस बुक कहाँ से करें, अगर मैं बोलूँ बच्चों सच में, अगर क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है एज ए टीचर, मैं एक टीचर भी हूँ, मेरी एक बुक भी है मैथमेटिक्स की, और बहुत दिन से मुझे 10 साल का कम से कम इस फील्ड में मुझे एक्सपीरियंस भी है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ कि रेफरेंस बुक के बारे में, अगर आप जिस बोर्ड से पढ़ रहे हैं पहले उस बोर्ड की बुक को पढ़िए, कि आप जिस भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं अगर आप देखेंगे सिलेबस को बच्चों, CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड, तीनों के चैप्टर जो कॉमन है सिर्फ वो ही हैं, आप देखो उठाकर बुक्स, ठीक है ना। तो आप जिस भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं उस बोर्ड को पढ़िए। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, 8th to 10th का सिलेबस आप सभी समझते हैं, अब आपके बच्चों के मन में ये आ रही होगी बात, अरे 8th to 10th हम कैसे कवर करेंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप बुक ओपन करके देखेंगे, जो 8th का सिलेबस है जनरली वो 10th में लाई करता है, 10th में समा जाता है वो। अब इसका मीनिंग है, अगर आप 10th का अच्छी तरीके से करोगे तो 8th का उसमें कवर हो जाता है। इसका मीनिंग है 8th के को अलग से पढ़ने की कोई मतलब इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका 10th में वो कवर हो जाता है पूरा। जब आप एक इस लेवल तक पढ़ते हैं तो वो पूरा बेसिक टू आप एक साहू स्क्रीन को जो कंसेप्चुअली पढ़ना है आपको, बेसिक से लेके आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएं तो बड़े आसानी से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं बोलूँ कि जिस भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं आप उस बुक को पढ़िए, और प्लस में NCERT एग्जाम्पलर की बुक, अगर ये बेसिक मीन्स आपका स्टेप वन जो होना चाहिए रेफरेंस बुक के लिए वो ये होना चाहिए, जिस भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं आप उस बोर्ड की 9th और 10th की बुक पढ़िए। दूसरी बात, अगर मैं बोलूं NCERT की लाइन टू लाइन कवर कीजिए, उसके क्वेश्चन कीजिए। देखो ध्यान रखना बच्चों, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी बुक होने दो, चाहे स्टेट बोर्ड की बुक होने दो, चाहे NCERT होने दो, चाहे ICSE की बोर्ड होने दो, अगर आप उसमें हर क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो आपसे ना हो, और वही कंपटीशन होता है बच्चों, वही कंपटीशन होता है, वहाँ से ही कंपटीशन की शुरुआत होती है। तो अगर मैं बोलूँ कि NCERT का हर एक क्वेश्चन कर लोगे आप, एग्जाम्पल से लेके आप अगर आप ऑप्शनल एक्सरसाइज भी होती है उनको कर लोगे आप, तो बहुत बढ़िया होगा। क्यों बढ़िया होगा ये भी बताऊंगा मैं। NCERT एग्जाम्पल अगर आपके पास में नहीं है तो आपको NCERT की साइट पर NCERT एग्जाम्पलर के PDF मिल जाती है। और आप अगर मैं बोलूँगा बच्चों कि आपको PDF ना पढ़ते हुए आप हार्ड कॉपी से पढ़ें तो वो सबसे बेहतर होगा आपके लिए। कुछ बच्चे क्या है PDFs पढ़ते हैं, उसमें अगर वो पढ़ते पढ़ते कोई मोबाइल में दूसरी चीज़ यूट्यूब पे दूसरा चीज़ देखने लग जाते हैं या कुछ टाइम वेस्ट करते हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा आपको हार्ड कॉपी से पढ़ना चाहिए बच्चों, ये मेरी सजेशन है। आप क्या करना चाहते हो देखिए आप, ठीक है ना।
अगर मैं बोलता हूँ ये भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही बुक है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। बच्चों आपको मैं बोलता हूँ कि क्या एक लॉन्ग क्वेश्चन से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया जा सकता है? यस, बनाया जा सकता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लेके अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन तक करते हो तो मैं बोलता हूँ कि 100% उड़ जाएगा एग्जाम, उड़ जाएगा, आप बड़े आसानी से कर सकते हो। देखोगे अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात करेंगे तो, क्योंकि मेरा बहुत मतलब उस फील्ड में अगर मैं बोलूँगा कि बहुत दिन से पढ़ाया भी है, जब से साउंड स्क्रीनिंग टेस्ट शुरुआत की गई है जब से भी पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैं आपको बोलता हूँ कि कहीं से भी मतलब छूटेगा नहीं बच्चों क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन मान लिए बाहर हो गए, लेकिन पास तो आप एक अच्छा स्कोर भी करोगे, आप पास भी हो जाओगे। लेकिन मान लिया कुछ क्वेश्चन हटके पूछे जाएंगे 25 में से, अगर आपके क्वेश्चन मान लिया फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, जनरली ऐसा ही होता है कि बायोलॉजी के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप इन दो तीनों से अगर आप अपने जिस भी बोर्ड में, इसका बेनिफिट क्या है कि आपके पास में कॉन्फिडेंस ये बिल्ड होगा कि जिस बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं उस बोर्ड की बेनिफिट, मतलब आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने के बिल्कुल एकदम चांस रहेंगे ऑब्वियसली, कि जब आप अच्छी तरीके से पढ़ लोगे एक ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अरे अब तो मेरे पास कुछ है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूंगा ये कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे, उसके बॉक्स में दी गई बातें, वहाँ पर नोट में दी गई बातें, ऑलवेज रिमेंबर, ऐसी ऐसी बातें, वो आपको हर एक लाइन पढ़नी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बच्चों मैं सच बोल रहा हूँ, वहाँ से बाहर कुछ नहीं हो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, बुक प्रीवियस क्वेश्चन को देख के बोल रहा हूँ बच्चों, मैं वो पूरा एक्सपीरियंस है, लाइन से क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों आपसे, ये मैं बता रहा हूँ। स्टेट बोर्ड की बुक को भी करें, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी जिस भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं आप, अगर आप स्टेट बोर्ड में, जनरली मैं तो यही बोलूंगा स्टेट बोर्ड की बुक को तो हमेशा मतलब आप हर बच्चे को, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे वो आईसीएसई का हो, कवर करनी चाहिए बच्चों। ये बातें आपको कोई नहीं बता रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें, आप करिए, विश्वास कीजिए आप, तो जरूर 100% आपको इसमें बहुत बढ़िया दिखने को मिलेगा, और एग्जाम में भी आप देखेंगे जब आप, तो क्योंकि जो क्वेश्चन एक डिफिकल्टी लेवल के होते हैं वो साहू स्क्रीन वहीं पर वहीं से क्रिएट होता है, अगर मैं बोलूंगा उसी लेवल से आता है, एनसीईआरटी में वो है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी वो क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूँ और भी, अगर रेफरेंस बुक की बात है कि जैसे हमारी एकेडमी, इंटीग्रिटी एकेडमी और इंटीग्रिटी टीम, जैसे मैं मैथ्स और मेंटल एबिलिटी पढ़ाता हूँ, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा जैसे कि हमारे यहाँ पर ये बैचेज भी चालू हैं, साउंड स्क्रीनिंग की तैयारी कराते हैं हम अच्छी तरीके से, जैसे प्रीवियस ईयर में बहुत बढ़िया रिजल्ट था, एक बेस्ट रिजल्ट दिया हमने, आपको मालूम होना चाहिए कि जो रेफरेंस बुक और भी हो सकती है, हमारी टेस्ट सीरीज भी है इसके ऊपर, और हमारे स्टडी मटेरियल भी है इसके ऊपर, हमने पूरा स्टडी मटेरियल तैयार किया है और हमारे बैचेस भी चलते हैं, और जैसे कि मैंने खुद ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फाउंडेशन मास्टर। अब कुछ बच्चे को जैसे बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है जिसमें लॉगरिदम नहीं है, तो इसमें लॉगरिदम बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, फाउंडेशन मास्टर इस बुक का नाम है, ये अमेजोन पे भी मिलेगी आपको, और इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, और मैं बोलता हूँ कि 100%, और इवन पीसीएम वालों को तो 100% देखनी चाहिए इस बुक में। एक बार आप अगर किसी बुक स्टोर पे जाते हो इसे देखिए, आप लेने से पहले देखिए इसमें है क्या कंटेंट, आप सभी को समझ में आएगा कि इसमें दिया क्या है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बाहर नहीं होगा बच्चों। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने एग्जाम्पल भी कर लिए तो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए, और अगर डरने की कोई बात नहीं है भाई, आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया। आप हमेशा यही चीज़ से समझें कि नेगेटिव मार्किंग होगी, उस तरीके से आप पढ़ाई करें आपकी। अगर हम ये आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जो आपके साथी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उन सभी को शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो सारी बातें बताएंगे, और क्या एकदम ज़बरदस्त एनालिसिस के साथ में आपके साथ में आएंगे जो आपको बहुत बेनिफिट करने वाले हैं वीडियो। बच्चों तो आप हमारी एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और बेस्ट देते रहेंगे हम, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बातें बताएंगे, कि जो आप इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए अच्छी तरीके से आप, और सभी के लिए ऐसी ऐसी वीडियो, बढ़िया वीडियो लेके आते रहेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, ऑल दी बेस्ट, फिर मिलेंगे इसी वक्त पर।